सफाई वैसे भी माशाल्लाह दिल के शोबे से वाबस्ता है, और हम तसलसल से उनकी आला जो बताई हुई इखलाक की कदरें और मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स पे जो उनका इतना ज़्यादा इल्म है उससे मुस्तफीद होते रहते हैं, और वो हमें गाहे बगाहे शर्फ बख्शते रहते हैं अपनी इल्मी अदबी गुफ्तगू से, जो हमारी वो मेरान जहनी कैफियत उसको वो जो बंजर जहनी कैफियत उसको सराह करते रहते हैं। मेरी मुराद हमारे कहाई मोहतरम उस्ताद मेंटर गाइड न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उनके फॉलोअर उनके सुनने वाले, मेरी मुराद जनाब हकीम आमिर रजाक उठाया साहब, और मैं इसलिए भी उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने डॉक्टर साहब जैसी हस्ती जो है उनसे हमें मुतारफ करवाया, और उनकी दरख्वास्त में डॉक्टर साहब तशरीफ ला सर आपसे गुजारिश है कि ये मौजूद है ये उनको आप जरूर टाइम दिया करें जितना पॉसिबल हो। तो बस ये कि हम अपनी इखलाकी कदरें बेहतर करें, हमें अपने इखलाक बेहतर करने की ज़रूरत है, और बस इस अक्सर वो काफ़ी घंटे तरबियत फरमाया करते थे और मुख्तलिफ ऑफिस में पूरे पाकिस्तान में वो ट्रैवल करते थे घूमने में। अभी मैं परसों ही रांची से आया और वो 15 दिन महीने में तशरीफ लाते थे मुल्तान एयरपोर्ट से, मैं उनको लेता था, फिर पूरा पंजाब कश्मीर ये पी के इंटीरियर सिंह और मतलब हर जगह वो तशरीफ लेके जाया करते थे। तो बात ये होता था कि 3 घंटे अगर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई तो वो लीडर्स कहते थे कि आज इन्होंने टाइम्स का जिक्र ही बहुत कम किया, तो वो फरमाते थे कि हम अपनी इखलाकी कदरें बेहतर कर लें, रवैये दुरुस्त कर लें, सोचे मसबत कर लें, और हमारे किरदार इखलाक और रवैयों से लोगों को नफा पहुँचे, इस प्रोफेशन में फिर आप खुद ही जो है कामयाब हो जाएंगे। और दुनियावी तौर पर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन आइंस्टाइन, उसकी बड़ी मशहूर बात कि बेटर बी अ मैन ऑफ वैल्यूज रादर देन मैन ऑफ सक्सेस, कि दुनिया में किसी भी बड़ी कामयाबी से जो भी बड़ी कामयाबी है पैसे से इज्जत शोहरत नाम इन तमाम कामयाबियों से जो बड़ी कामयाबी है वो ये कि आप अपनी वैल्यूज को इन्हेंस करें, अपनी इखलाक की कदरों को जो है बुलंद करें, तो फिर ऑब्वियसली फिर अल्लाह ताला की जो तमाम ताकतें हैं बरकतें हैं वो आपका साथ देती हैं, फिर आप अपने मकासद में कामयाब होते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ कि जो इतनी महफिल और अजहर मलिक साहब ने जिसका इंतजाम किया, उनके बड़े भाई हमारे बुजुर्ग कुछ ऐसा पहले उनका इंतकाल हुआ अजहर भाई अल्लाह ताला उनके जो कबीरा सगीरा गुनाह है वो अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला उनके लिए आखिरत की मंजिलें जो है वो आसान कर दे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को जो है उसकी अल्लाह ताला सबर दे, और उनकी जो जाने की वजह से उनके ख़ानदान में सबसे बड़े थे उनके ख़ानदान में जो एक गैप आया एक कमी पेशी जो उनके सरपरस्ती और उनकी शस्तों और उनकी मेहरबानियों से पूरा कबीला महरूम हुआ, अल्लाह ताला उसकी तलाफी अदा करे, उन तमाम लोगों को जो है वो मुतहद रखे, पूरे ख़ानदान को एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत जो है वो बढ़ाए, और नजर भाई को अल्लाह ताला जो है अपनी जवान मोहब्बत में जगह दे। तो बिला ताखीर क्योंकि डॉक्टर साहब का बहुत वैल्यू उठाए, मैं चाहूँगा कि आखिर में हमारे इंतहाई मोहतरम उस्ताद मेंटर गाइड और रहबर जो जिनका मकसद ही मकसद हयात ही कौम की और बनी नौजवान की तरबियत करना है, कौम और बनी नौजवान को अल्लाह के रास्ते पे लाना है, मेरी मुराद जनाब हकीम आमिर रजाक उभाया साहब उनसे दरख्वास्त है अपनी कीमती कलमात से जो है हम सभी को मुस्तफीद करें। प्लीज सर शुक्रिया मोहतरम मेरे दोस्त यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव असद मलिक साहब इकरार खान बलोच साहब मोहम्मद मनशा साहब मुदस्सर सियाल साहब और एहसन शाह बुखारी साहब आसिफ जब्बार साहब और मुबशिर सियाल साहब और अजहर साहब अजहर खान अजहर साहब और अब्दुल वाहिद साहब, तो मैं बहुत सारे लीडर्स का नाम जानता हूँ और जिनका नहीं जानता जो फिर दोबारा याद कर लूँगा,
और इसके अलावा तमाम लीडर्स सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दोस्त प्रोफेसर गुलाम मुश्तबा साहब ने इतनी खूबसूरत जो है हमारी सलाह की, और कहते हैं हर आदमी जो है अपने से दना के सामने बेवकूफ़ होता है, और आपको आपसे बड़ा दना हमेशा मिलेगा। तो इकरार खान गुलाम साहब कहते हैं कि आप हमारे उस्ताद हैं, मैं कहता हूँ प्रोफेसर गुलाम मुश्तबा साहब मेरे उस्ताद हैं। जहाँ मेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ प्रोफेसर गुलाम मुश्तबा साहब की सोच शुरू होती है। ये इनके अंदर मुकम्मल औसाफ़ तबीब हैं। रात को अगर मैं 2 बजे भी फ़ोन करूँ कि मुझे ये मसला इस हवाले से मुझे गाइड कीजिए, तो जितनी मेरी उम्र है उतना यकीनन उनका तजर्बा है। और उन्होंने ये भी फरमाया कि अब तुम बूढ़े हो गए हैं। नहीं, आप बूढ़े नहीं, अभी आप जवान हैं, अभी आपका जज्बा जो है अभी आप लोगों को मोटिवेट जो करते हैं, ये आपकी जवानी के सारे मैसेज हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। आपके बारे में तो मैं ये कहूँगा और साफ तबीब शहर कहते हैं, और शहर ने शहरी जो है बलोच साहब कोई 100 साल पहले लिखी है। और साफ तबीब जो तक लंबी शहरी है, लेकिन मैं चंद अशार पढ़ता हूँ और उसकी तशरीह भी करता हूँ, और ये इन पे फिट आती है प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा साहब पे। शहर कहते हैं दिल में हो कम रुपा हो बेजरो सरदार का, उसके दिल में प्यार हो बीमार का। कम रुपा हो बेजरो सरदार का, उसके दिल में प्यार हो बीमार का। इनके पास 2-4-10 मरीज नहीं आते हमारी तरह, इनके पास रोजाना सैकड़ों मरीज हैं। और ये जब डीजी खान जाते हैं तो वहाँ एक दिन में 600 मरीज देखते हैं। भावनगर जाते हैं 15 दिन बाद तो वहाँ भी 500-600 मरीज देखते हैं। और रोज़ाना इनके पास को 250-300 मरीज रोज़ाना तादाद है इनके पास पेशेंट। और जितने खूबसूरत मरीज हैं मुल्तान के, वो भी सारे इनके पास जाते हैं। तो उसके दिल में प्यार हो बीमार का, गम रुबा हो बेजरो सरदार का, यानी गम बांटने वाला हो, गम की तसल्ली देने वाला हो, गम का आसरा बनने वाला हो। बेजरो सरदार का, जर कहते हैं मार को, सरदार कहते हैं साहिब मार को, यानी ना उसको मार से गर्ज हो ना दौलत से गर्ज हो, यानी हकीम आमिर रजा को उठाया आए, हकीम आमिर रजा को उठाया के पास तो मरीज आए तो गरीब आदमी आए तो उसे कहे बैर बैठे, अमीर आदमी आए तो उसे अंदर पिलाए। बुरा इस तरह के औसाफ तबीब में ना हो, तबीब इस तरह का हो कि ना उसको जर से गर्ज हो ना सरदार से गर्ज हो, ना अमीर आदमी से गर्ज हो ना दौलत से गर्ज हो। तो ये तबीब ऐसे हैं। कम रुबा हो बेजर व जरदार का। फिर अगला शहरी है पाक तीनत पाक बातिन पाक बास। पाक तीनत, तीनत कहते हैं खसलत को, जो फितरतन हो, जो अल्लाह की तरफ से दी गई हो, खसलत खूबसूरत आदत वाले, खूबसूरत खसलत वाले। और पाक तीनत खूबसूरत खसलत वाले, खूबसूरत आदत वाले, जो जो इखलाकी इतबार से बेहतर हो और दुनियावी इतबार से बेहतर हो। तो इनके अंदर अल्लाह ने खसलत ऐसी रखी है पाक तीनत पाक बातें। जहर का उत्साह बातें, यानी जिसमें जहर और बातें इसका है दिल, जो मख्फी हो, जो खुफिया हो, जो नजर ना आता हो। पाक तीनत पाक बातें, बातें का मतलब है दिल का साफ इंसान, और साफ तबीब में दिल का साफ इंसान। फिर नेक्स्ट है पाक बात, पाक बात से मुराद है जो नेक हो, जो गुनाहों से बचा हुआ हो, जो बुरी कसरतों से बचा हुआ हो और जो बुराई से बचा हुआ हो। तो ये पाक तीनत भी हैं, पाक बाज भी हैं और पाक बातें भी हैं। पाक तीनत पाक बाज, पाक तीनत पाक बातें पाक बाज। हर दिले बीमार का हो चारा साथ, उसके दिल में जो है हर इंसान के लिए वो दुख का मदावा करने वाला हो, दुख बांटने वाला हो, और हर बीमार का हल जानता हो। हर दिले बीमार का हो चारा साथ, खुश मिजाज हो, खुश दिल हो, खुश आरजू, यानी मिजाज अच्छा हो, खुश मिजाज हो, खुश दिल हो, दिली इतबार से अच्छा हो, खुश मिजाज हो, खुश दिल हो, खुश आरजू, उसकी सोचें भी अच्छी हो, उसका किरदार भी अच्छा हो, खुश मिजाज हो, खुश दिल हो, खुश आरजू, खुश किसान हो, खुश खूब हो, खुश जस्तजू। खिसाल खसरत की जमा है, खूबी आदत को कहते हैं। खिसाल और खूब मुतरादिफ हैं, यानी दोनों के एक ही मायने हैं।
खुश मिजाज हो, खुश निसाद हो, खुशबू हो, खुश जस्तजु अच्छी चीज़ों की तलाश करने वाला हो, तो इल्म फन का हो वो पहले बेगना, इल्म फन का समंदर हो, गम को भी समझे निशाते जावेदा। निशात, निशात कहते हैं नशीद की जमा है, नशीद कहते हैं खुशी को, जावेदा कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा तबीब हो जो हमेशा हमेशा के लिए गम को भी खुशी में तब्दील करने वाला हो। तो ये अल्लाह ने इकट्ठा और साफ रखे हैं, ये दरिया को दूसरे में मैंने बंद किया है। प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, दुनियावी एतबार से और कब्र के एतबार से, अशर के एतबार से, और डॉक्टर प्रोफेसर जो हैं ये अज़र मलिक साहब, इनके भाई जो हैं डॉक्टर नज़र साहब जो फौत हुए हैं, तो एक हदीस में पेश करता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मात अल अब्दु अबिल इंसानु इन कादा अमलुहु इल्ला मिन सलासिन इल्ला मिन सदकतिन जारियतिन औ इल्मी युन्तफ़ु बिहि औ वलदिन सालिहि यद्उ लहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला जो है मुनक़ता हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। नंबर एक, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नंबर दो, सदका जारिया, यानी आप कुआं लगवा लें, आप नलका लगवा लें, आप मदरसा बनवा लें, आप मस्जिद बनवा लें, आप गरीबों के लिए ऐसा काम कर जाए, तो ये आज जो इंतमाम किया ये भी सदका जारिया है। अज़र मलिक साहब ने जो इंतजाम किया है ये भी सदका जारिया है, सदका जारिया। तीसरा है वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, यानी कुरान मजीद आप लेके दे दें, कोई ऐसी किताब हो जो तालिब इल्म हो, जो मदारिस के तालिब इल्म हो, यानी दीनी लिहाज से जो है वो औलाद उसके लिए या उसके चाहने वाले उसके शिकर जो है उसके लिए दुआ करते रहें, दुआ करते रहेंगे तो उसको उसका अजर मिलता रहेगा। एक दरख्त लगवाया है सदका जारिया में, लोग छांव में बैठे रहेंगे तो मरने वालों को उसका अजर मिलता रहेगा। तीन चीज़ें मरने के बाद तमाम चीज़ों का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के। नंबर एक सदका जारिया, नंबर दो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, और नंबर तीन जो है वो एक जिससे लोग फायदा उठाएं। और कहते हैं प्रोफेसर साहब ने मुझे मैसेज किया, मैं क्योंकि तालिब इल्म हूँ और मैं अच्छी चीज़ों को याद कर लेता हूँ, कि 50 साल की उम्र में जो है दुनिया का हसीन तरीन आदमी, दुनिया का हसीन जमीन आदमी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और दुनिया के हसीन तरीन चेहरे पर भी धुरी आने लगती है। 60 साल की उम्र में सर थे पैरों के रेट फिरौन वक्त, जिसको अपने अहदे पर बड़ा कमांड होता है, रिटायर होने के बाद दफ्तर का चपड़ासी और चौकीदार भी सलाम नहीं करता। 70 साल की उम्र में बड़े और छोटे घर का फर्क ख़त्म हो जाता है, बंगला और कोठी का फर्क ख़त्म हो जाता है, दो एकड़ के घर और पाँच कमरे के घर का फर्क ख़त्म हो जाता है, कभी कमर का दर्द, कभी घुटनों का दर्द, कभी हेपेटाइटिस सी, कभी कैंसर, इंसान को बैठने के लिए जगह चाहिए। और 80 साल की उम्र में जो है, 80 साल की उम्र में जो है अकाउंट में आपके करोड़ों रुपए पड़े हों और जेब में लाखों रुपए हों तो फिर भी आप सुख नहीं खरीद सकते। और 90 साल की उम्र में जो है इंसान का सोना और जागना बराबर है, ये इंसान की है ज़िंदगी। लेकिन अब जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, ये भी आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप, मैंने इनके तक ना अभी बात हुई गाली गलौज और इस तरह की, मैंने यहाँ जब 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 अज़र मलिक साहब आए, जब जब जो इकरार गलौज साहब आए अपने अहल वयाल के साथ आए, जब पूरी टीम के साथ आए, जब जो है मुदस्सिर सियाल साहब के साथ आए, जब मंशा साहब के साथ आए, ये सब जब भी आए डेलीगेशन की शक्ल में, इनके मुंह से गलत बात, गलत सोच मैंने आज तक ना सुनी है ना देखी है। ये ऐसे लोग हैं कि अपने काम पर ना डट जाने वाले लोग हैं और इसीलिए ये बड़े लीडर हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर आदमी अपने से दलाल के सामने बेवकूफ़ होता है, जब आप देखते हैं मंशा साहब को
तो आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। जब मंशा साहब इकरारन गोलोई साहब को देते हैं तो ये अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। जब ये अपना यूसुफ सुल्तानी साहब को देते हैं तो ये अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। जब यूसुफ सुल्तानी साहब बुरहान बसरी साहब को देते हैं तो ये अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा बेहतर से बेहतरीन कोशिश में इंसान लगा है, ये इंसान का मुस्तकबिल है। आप सबको शहरी पर मुख्तसर वक्त में दरिया को कूजे में बंद करते हुए बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ। ये आप सारे लोगों के लिए है, लीडर्स के लिए है। यहाँ से भी कल लीडर्स बनेंगे, मंशा साहब भी निकलेंगे, इकरार खान गोलोई साहब भी निकलेंगे, यूसुफ सुल्तानी साहब भी निकलेंगे। और ये ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं भाई बलोच साहब हूँ, अजहर मलिक साहब हूँ, मंशा साहब हूँ, मुदस्सर साहब, ये कहते हैं जो पीछे वाला आदमी बैठा है ना नौजवान, मैं अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ या मैं सेल्स मैनेजर हूँ, ये मुझसे आगे डायरेक्टर बने, ये आगे पढ़ाने वाले लोग हैं, चैलेंज नहीं होने वाले लोग, ये आपको खुश देख कर खुश होने वाले हैं। ऐसी खुशी या तो आपकी माँ महसूस करती है या आपका बाप महसूस करता है, आपके वालदैन महसूस करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। यहाँ जो महसूस करते हैं ये लीडर, ये खुशी महसूस करते हैं। तो शहर को शहरी में पेश करता हूँ, चमक सूरज की नहीं, ये माँ बाप की दुआ भी है इसमें। लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दें, लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दें, मैं घर से दौलत नहीं माँ की दुआ लेकर निकलता हूँ। लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दें, मैं घर से दौलत नहीं माँ की दुआ लेकर निकलता हूं। दूसरा, शहर दरिया को कूजे में बंद करते हुए चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। खबर ये आसमान के अखबार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। चमक, फिर दोबारा कहता हूँ, कहते हैं सुनने वाले का शौक जो है बोलने वाले की जुबान को तेज करता है। अजहर मलिक साहब, मंशा साहब, इकरार खान बलोच साहब, ये सारे लीडर्स और आप सारे लीडर सबको ये शायरी डोनेट करता हूँ। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। तो पठान भी यहां बैठे होंगे, कितने पठान हैं? लासुना कुर्ता कई, लासुना उचल कई, पश्तून कौम समुद्र मुल्क सरमायादा और बहादुर कौम दे, और डेर रो खल्क दी इज्जतमंद कौम दे, और पाकिस्तान को जोड़ा गुरु के दे कुर्बानी वर करे दी। शहीदान कड़ी दी पश्तून कौम सरा डेरा मीना कौम समा ज्यात मर गई पख्तूना दी। पख्तून
खुना ता मुबारक वेलकम ज़कात दई टाइम्स ता रागल अखपल कोटरी ये परी हो तो औ मुसाफरी कवि औ द अखपल मुस्तकबिल ये सही फैसला यो शहरी के हवाले से और इसी में आपकी बड़ाई है। अलामा इकबाल कहते हैं क्योंकि आप जो हैं अपने नाम से बड़े हुए हैं, यानी अजहर मलिक साहब का जो मुस्तकबिल है वो टाइम से है, मेहनत से बढ़े हैं। बलोच साहब ये सारे गरीब घरों से लड़के हैं, ये सारे ये लड़के मैं इनको कहूँगा आदमी नहीं अभी लड़के हैं क्योंकि ये इनके अंदर जज्बा जो है, जब मैं बलोच साहब को देखता हूँ छः छः घंटे बात करते हैं, ये सारे जो हैं आज भी लड़के हैं, ये सारे लड़के जो हैं ये सारे गरीब घरों से हैं। बड़ा कोई नहीं होता, छोटा कोई नहीं होता, बड़ा वही आदमी है जो मेहनत से आगे बढ़ा है। मैं कहूँ जी मैं जो है फलां MNA का बेटा हूँ, फलां वजीर का बेटा हूँ, आमिर रजा को पाया, मेरी खुद क्या पहचान है। अब्दुल वाहिद साहब गरीब घर से हैं, ये आगे जो बड़े हैं ये अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो अलामा इकबाल ने कहा था कुतबतुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन बुनियतुत तालिबीन बुरहानुल वासिलीन। हजरत अलामा इकबाल फरमाते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है, जमीर कुल फकान है जिंदगी। अब इस शायरी की तस्वीर भी करूंगा, अपनी दुनिया आप पैदा कर कि किसी के नाम पे ना कहे कि मैं वजीर आजम के साथ तस्वीर बनाऊँ तो मैं बड़ा हो जाऊँगा, कबर तर के साथ आम रुपया तस्वीर बनाए तो आम रुपाएगा कल बड़ा हो जाएगा। आम रुपाए की अपनी क्या शख्सियत है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है, सिर कहते हैं रास को, जमीर कहते हैं सिर कहते हैं रास को, यानी आदम को बनाना भी एक रास था। और यहाँ ये मतलब है शायर ये कहना चाहते हैं जमीर कहते हैं छुपी हुई चीज़ जो नज़र नहीं आती, दिल कोई बात को जमीर इसलिए कहते हैं वो नज़र नहीं आता। यहाँ शायर ये कहना चाहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर, अपना मकाम खुद बना, अपना मकाम तो खुद बना, टाइम्स में आ या मेहनत कर और अपना मकाम खुद बना, अपना रास्ता खुद तलाश कर, या किसी MNA की सवारिश की जरूरत भी नहीं है, किसी वजीर की सवारिश की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों ने भी धक्के खाए होंगे वजीरों और सियासी लोगों के पास, ये सब झूठी बातें होती हैं। यहाँ सच्चे लोग आते हैं, मेहनत से आगे बढ़ते हैं और मेहनत से जब आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर, शहर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपना मकाम तो खुद बना। जैसे हजरत मौला अली से एक शख्स ने सवाल किया, अभी तीन मिनट बाद जो है बात खत्म कर लूँगा। हजरत मौला अली से किसी ने सवाल किया कि जो कुछ मिलता है क्या वो तकदीर में लिखा हुआ है। एक शख्स ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर वो मुश्किल टाइम से करता रहा कि जो कुछ खाना है, जो कुछ पीना है, जो तकलीफ है, जो दुख है, जो गमी है, जो परेशानी है, क्या ये सब लिखी हुई है। हजरत अली मुस्कराए और फरमाया जी बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर उस आदमी ने सवाल किया कि अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है तो मुझे अल्लाह से मांगने की क्या जरूरत है। तो वो कहने लगा, हजरत मौला अली फरमाने लगे, मुस्कराए और फरमाया शायद यही लिखा हो कि जब ये शख्स मांगेगा तो मैं इसे दूंगा, शायद ये जब शख्स मांगेगा तो मैं इसे दूंगा। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है, जमीर कुल फकान है जिंदगी। जैसे शेर होता है, इंसान तो वैसे अशरफुल मखलूकात है, शेर जंगल का बादशाह है। मैं आपको शेर की मिसाल देता हूँ, एक शख्स के पास ना 15 शेर थे 16 शेर थे। उस दिन उनको खुराक नहीं मिली तो वो जंगल में छोड़ आया, तो उसमें से 8 शेर जो है ना उनको कुत्ते खा गए। उनको अपनी हैसियत का पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा। इंसान को पता नहीं होता कि मैं अपना जो है ना ये मैं कुंदन हूँ, मैं सोना हूँ, मैं हीरा हूँ, लेकिन वो बड़ा जो है जंग लग जाता है। जब टैंक्स में आएंगे तो जंग आपका खत्म हो जाएगा।
तो शेर जो है, शेर जंगल का बादशाह होता है, जैसे शेर होता है वो अपना शिकार करके खुद खाता है, हाथ नहीं फैलाता। मैंने अजहर मलिक साहब से कहता हूँ, मैं बल्कि बलवर साहब जब आते हैं मैं कहता हूँ फलां तंजीम वाला मुझसे 5,000 ले गया, फलां 10,000 ले गया, फलां 20,000 ले गया, ये सारे हाथ फैलाने वाले लोग हैं, सारे नौसरबाज लोग हैं, मैं इनसे दोबारा मिलता भी नहीं हूँ, ये हाथ फैलाने वाले हैं। यानी गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी 3 पीस हूँ लेकिन हाथ फैलाना, ये टैंक से लोग ऐसे हैं, ये लोगों को डोनेट करते हैं लोगों का। अभी ब्रिगेडियर कैसर साहब पिछले दिनों आए तो मैंने उनसे पूछा यहाँ कि आप कोई इन बच्चों को कोई खाना वगैरह एंटरटेन करेंगे, कहते नहीं अकीम साहब मेरे को कहते मुझे ऐसी कौन है, बस जने अकीम साहब अपना मैंने को गाड़ियाँ देंगे, कहते गरीब कौन है, इन शुरफा ने लीडर्स ने अपने खर्चे से गाड़ियाँ की, बच्चों को सपोर्ट किया, खाना दिया और खुद वहाँ जाके अपना मैसेज दिया। कहना मैं ये चाहता हूँ जब टाइम्स में आएंगे तो लोग आपके सामने यूँ करेंगे, आप यूँ बने होंगे। जैसे शेर होता है वो शिकार करके खाता है, जो लकड़ पकड़ होते हैं जैसे कुत्ते बिल्लियाँ रिक्ष मगरमच्छ ये सारे जो हैं रिक्ष ये सारे जो शेर का बच्चा हुआ खाते हैं। तो आप शेर हैं अपना शिकार करके खुद खाते हैं, तो आप बड़े लोग हैं। इस बात पर इस सार के साथ ख़त्म करते हुए कि अपनी दुनिया